मॉर्निंग। तो आज पता है क्या है, आज मेरे सामने ये कटहल, तो कटहल का काट कर और आज अचार लगानी है। तो आम तो कटा हुआ था, मार्केट से आया हुआ था, तो उसे धोकर और अच्छी तरह से कपड़ा में फैलाया हुआ है। तो चलिए मैं छत पे ले चलती हूँ आपको, और दोनों को मिक्स करके भी कट करना है कटहल को, और दोनों को मिक्स करके अचार आज बनाना है। तो और आज ये है मेथी, तो सभी ऐड मेरे किया साथ बने जाएगा। रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी दोपहर नहीं हुआ है, अभी 10 ही बज रहा है, 10:15 लगभग बज रहा है। और ये मार्केट से कटा ही हम लोग मंगवाए थे, क्योंकि घर में तो हम लोग से कट ही नहीं सकता है। तो ये देखिए चारों तरफ, ये 8 KG आम है और 2 KG कटहल। तो दोनों को मिक्स करके अचार बनाया जाएगा आज। तो यहाँ पे देखिए धनिया है और तेज पत्ता, और सारे मसाला को मैं थोड़ा थोड़ा गरम कर दूंगी, और गरम करके इसे मिक्सर मशीन में पीस दूंगी। तो ये मेथी है, इसे भी मैं गरम कर दी हूँ और इसे भी पीस दूंगी। और ये देखिए मिर्चा है, और ये सरसों का पीसा हुआ है, और ये गरम मसाला है थोड़ी, और ये सरसों जो मतलब गांव से आई हुई थी, तो उसी को मैं पहले से ही पीस कर रख दी थी। तो ये देखिए सारे मसाले को ऐड कर दी हूँ मैं, और तेल और नमक डालकर सारे को मिक्स कर दे रही हूँ। और इसे 2 से 3 दिन धूप में, कड़ी धूप में सुखाया जाएगा, और उसके बाद छाया में आप रख दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ये गलते रहेगा। तो दोनों मिक्स है, कटहल और आम दोनों। तो ये देखिए सभी लोग, मतलब मेरी सासू माँ इसे मिक्स कर दे रही है। मैं सारा एक जगह रख दी थी, सब कुछ ज़रूरत के हिसाब से। और इधर देख लीजिए न, हल्दी, नमक और मंगरेला अजवाइन, जो मतलब इसमें डाला हुआ है, जो आपको मैं दिखा रही हूँ वही वही सब, वो आम में भी मैं मिक्स की हूँ। तो ये देखिए सरसों का पाउडर जो था वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं मिर्ची सरसों सब एक साथ दरदरा टाइप का पीस कर, और नींबू और आम, पतली पतली जो आम रहती है, मतलब गिठली जो रहती है वो नहीं डालूंगी मैं, और नींबू मिर्चा और थोड़ा सा आम। तो ये देखिए जो ये जो कटी हुई नींबू है ना, इसका रस मैं निचोड़ के और ये सब में मसाले में ऐड कर दूंगी। और ये देखिए ये सूखा हुआ आम है, तो इसे मिक्स करने के बाद ये मिर्ची को ना बीच से कट लगा दी हूँ, मतलब कोई चीरा लगा दी हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से नमक और मसाले और ऑयल ये सब। और इसमें आप हींग भी डाल सकते हो। तो कैसी लग रही है ये आज की रेसिपी, तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना कि देखते हैं और निकल जाते हैं, मतलब लाइक नहीं देते हैं, तो उनकी मर्जी, कोई बात नहीं। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज तक के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं तैयार करती हूँ। तो ये देखिए बन के रेडी हो गई है, अब इसे मैं डब्बा में रख दे रही हूँ। और इसे भी धूप में ढक्कन को खोल कर रखना चाहिए, ताकि इसका जो जैसा महक रहता है वो ख़त्म हो जाता है और अच्छा लगता है। और संडे को ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और जो काम रहती है ना, वो जो पेंडिंग में रहती है वो मैं कर लेती हूँ। और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रही है, हेयर फॉलिंग, तो प्लीज़ बताइए क्या किया जाए, सिंपल सा उपाय। मैं सोची हूँ कि दही लगाया जाए और मेहंदी मेहंदी लगाया जाए, तो क्या पता मेरा बाल तो झड़ना बंद ही नहीं होता, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, और ऊपर से सिल्की बाल है तो और पतला दिखने लगता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।